ओके सो वी आर लाइव नाउ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? दिस इज निशा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिजल्ट गुरु। हाउ आर यू ऑल? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो वी हैव यशी श्रीवास्तव, वेरी गुड मॉर्निंग। विक्की पूनम चौरसिया, मधु, लक्ष्मी रानी, प्रदीप कहकशा, प्रवीण, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रमा प्रकाश, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसे हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पिंकी, आरा, शबनम, लक्ष्मी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वैशाली, रंजना, शिवा, जैन, राधा, सर्वेश, आरती, सुनीता, लीलावती, अनुराधा, शिव, सुषमा एंड शिवा। सो वी हैव शिव एंड वी हैव शिवा। वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सो आप लोग सबको पहले बताना क्या है जी? आई एम ऑडिबल, विजिबल, ऑल गुड। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। शशिकांत, वेरी गुड मॉर्निंग। गायत्री, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू जी? मुझे कमेंट करके बताइए, आई एम ऑडिबल, विजिबल। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। राधे राधे, हर हर महादेव। किरण, ओके, थैंक यू प्रकाश, थैंक यू सर्वेश, प्रतिभा, थैंक यू सो मच प्रतिभा, दिव्या, मनीषा, आरती। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत मजेदार सेशन है आज का। आज हम ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कैसे थे, बिल्कुल जैसे हम और आप लोग, है ना, कि जब तक सर पे डंडा नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, है ना, कि भाई पेपर है। अभी तो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो गए कि क्योंकि सरकारी नौकरी की बात है तो थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान जाता है, लेकिन अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो मैक्सिमम क्या होता है कि नहीं चलो ठंड है थोड़ा सा सो लेते हैं, चलो आज बुआ की शादी है आज रहने देते हैं, आज फूफा के यहाँ जाना है आज स्कूल जाना रहने देते हैं। इन्हीं की बात करें, बिल्कुल हम लोगों जैसी एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जो कैसा है, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से एक चित्रकार निकला, एक कलाकार निकला, जिसको ये भी नहीं पता था कि वो इतने अच्छे चित्र बनाएगा, लेकिन आगे चलकर हुआ क्या कि उनका इतना इंटरेस्ट हो गया चित्रकला में कि इसके बाद इनको और कुछ भी ना दिखाई देता था ना सुनाई देता था। तो ऐसे ही बिल्कुल हम और आप जैसे एक ऐसे महान चित्रकार जिन्होंने आगे चलकर क्या है उस महानता को हासिल किया, कहानी क्या है वो डिस्कस करेंगे। कौन है जी? नंदलाल बसु है। पहले हम इनको डिटेल में कवर करेंगे, उसके बाद जो आपके भी 2 दिन के आपका प्रैक्टिस सेशन रह गया है वो भी हम बाद में कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन इनसे रिलेटेड अभी तक आ चुके हैं और कैसे आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो करेंगे क्या, जो बच्चे क्लास में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, 1-2 दिन से में भी शायद हो सकता है आपको जो पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आज मैं बात करूंगी और शायद शायद शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाए। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग जो स्टूडेंट्स जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ जी। जितेंद्र, देखिए मैराथन नहीं हो पाई, कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मैं मैराथन क्लास नहीं ले पाई। ठीक है, तो अभी होप सो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू है इसीलिए यहाँ पर नाम आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नाम यहाँ पर है नंदलाल बसु। कौन है जी? नंदलाल बसु। ठीक है जी, आगे सब सही है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे नंदलाल बसु की, एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे चित्रकार की जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या है अपने चित्रों से सजाया। हम लोग बात करते हैं कि ये काम किया वो काम किया इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन आज हम ऐसे चित्रकार के बारे में बात करते हैं जिनके बिना ना हमारा इतिहास, ना हमारा आम जीवन, ना हमारा सामाजिक जीवन, ना हमारे अपने क्या है मौलिक अधिकार, यानी किसी भी क्षेत्र से बात करें, इनकी कला के बिना, इनके चित्रों के बिना वो सब अधूरा था। यानी कि जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने चित्रों से कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे सजाया है। ठीक है, आज उस पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर बात करें बंगाल स्कूल की, ठीक है, बंगाल शैली की जब भी देखिए बात की जाएगी तो वहां के सबसे सफल चित्रकार किसको माना जाता है? नंदलाल बसु को ही माना जाता है। ये हमारे इतिहासकारों का दावा है कि अगर इस शैली से अगर हम ये छोड़ दें कि इसके जन्मदाता कौन है, किसने क्या क्या कार्य किए, अगर कार्यों के हिसाब से अगर हम रखें, अगर हम दोनों पहलुओं के हिसाब से अगर चीजों को देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या देख पाएंगे कि बंगाल स्कूल में सबसे सफल जो चित्रकार हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है चित्रकला का विकास भी किया और हम ये भी कह सकते हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली, वो कौन है? वो नंदलाल बसु है। ठीक,
बात करेंगे सबसे पहले इनके प्रारंभिक जीवन की। जन्म की बात कर लेते हैं जी, बिल्कुल हमारे हमारे पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1882 को, यानी कि रिसेंटली हमने इनका जन्म दिवस मनाया है। कब है? 3 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था बिहार मुंगेर में। इनकी अगर मुंगेर में भी अगर बात की जाएगी स्पेसिफिक प्लेस की तो कौन सा है जी? तारापुर है। क्या है? तारापुर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तारापुर के आगे मैम ने एक तारा बना दिया है, तो क्या है? तारापुर इनका बर्थ प्लेस है। अगर बात करें इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, देखिए जब भी किसी कलाकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपको उनका थोड़ा सा क्या है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर आपको पता है, तो कुछ तस्वीरें आगे क्लियर होती जाती हैं कि भाई आगे की इनकी जो लाइफ है वो कैसी रही होगी, सफर कैसा रहा होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें इनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो कैसे सर जी? मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के क्या है, मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी हैं, सॉरी इनके जो पिताजी थे पूर्ण चंद्र बोस, क्या नाम है? पूर्ण चंद्र बोस, ये दरभंगा के जो महाराजा थे उनके यहाँ पर मैनेजर थे। क्या थे? मैनेजर थे। और ये चाहते थे कि इनका जो बेटा है ये पढ़ लिख कर वकील बने, ठीक है, वकील बने या बैरिस्टर बने, ऐसी इनकी इच्छा थी। अच्छे जो है एक पोस्ट पे जाए, या तो वकील बन जाए या बैरिस्टर बन जाए, यानी पढ़ाना लिखाना चाहते थे। जो हमारे आम जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज के जो लोग हैं, वो यही सोचते हैं क्या है कि भाई जीवन जो याचन है वो किसी ना किसी तरीके से चलता रहे, यानी किसी चीज की कमी भी ना हो। और क्या है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किस पे किया जाता है? मिडिल क्लास फैमिली की बात में करते हैं अगर हम लोग आज भी, तो हम लोग अपने चाइल्ड पे, ठीक है, अपने बच्चों पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनको अच्छी एजुकेशन मिले, स्टार्टिंग से शुरुआत हो जाती है। आज के टाइम की बात करें ना, आप लोग उनको प्ले स्कूल में डालेंगे कितना भी महंगा हो, उसके बाद अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। अब तो पेरेंट्स के भी इंटरव्यू होते हैं, तो आप में से कई लोगों ने तैयारी भी की होगी उस इंटरव्यू की भी। उसके बाद जो है स्कूल अच्छा मिल गया तो उनकी स्टडीज, उनकी ट्यूशंस, उसके बाद अच्छा प्रोफेशनल लाइफ हो उनका, यानी उसे किस फील्ड में जाना है कोशिश। जो मध्य वर्गीय परिवार है यहाँ हमारे यहाँ पर एक एक परंपरा है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि क्या होता था अभी तक। तो बिल्कुल सेम कहानी इनकी भी ऐसी है कि ठीक है फैमिली परिवार सब बहुत अच्छा है। मदर इनकी जो है वो हाउस मेकर थी, और पिताजी अच्छी खासी जो है उनकी भी सैलरी थी, ठीक है सब कुछ सही था, लेकिन चाहते थे कि जो बेटा है वो पढ़ लिखे कुछ अच्छा अच्छी पोस्ट जो है उसको मिल जाए। लेकिन होगा क्या? क्या बेटे का पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। ये थोड़ा सा जो है हम लोगों जैसे थे, है ना, कि वे बार बार बोलना पड़ता है चीजों को लेके, तो बिल्कुल वैसे ही थे। माता की बात करेंगे तो इनकी माता का नाम क्षेत्रमोनी है। देखिए कई जगह पर इनका नाम क्षेत्रा मणि आपको मिलेगा, ठीक है, और वो क्या है सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। क्षेत्रा मणि कई जगह ये नाम मिलेगा, कई जगह क्षेत्रमोनी लिखा गया है, कई जगह पर क्षेत्रा मणि भी लिखा गया है। अगर आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो वहां पर क्षेत्र मणि लिखा हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। क्षेत्रा मणि या क्षेत्र मणि या क्षेत्रा मणि ये कह सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है सिर्फ बोलने में डिफरेंस है। यहाँ पर लैंग्वेज अगर बैरियर्स की बात करें, ये क्या है, ये एक हाउस वाइफ थी। और बात करें अपने बच्चे के लिए क्या करती थी, मिट्टी के खिलौने बनाया करती थी। किसके? मिट्टी के खिलौने बनाती थी। तो क्या हुआ भाई, बचपन से ही वो मिट्टी के खिलौने देखे थे, तो इनको भी बचपन से ही शौक हो गया। अब सबसे पहले इन्होंने चित्र नहीं बनाए, सबसे पहले इन्होंने पेंटिंग नहीं की। यानी कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी छोटा बच्चा होगा सबसे पहले क्या करता है वो जी, वो पेंसिल उठा के कुछ रेखाएं खींचना शुरू कर देता है। नंदलाल बसु वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी माता को देखा कि मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर खिलौने मूर्तियां बनाते हैं, तो इन्होंने भी मिट्टी के वो खिलौने बनाना शुरू कर दिए थे अपनी माँ के साथ। यानी कि अगर बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पर बचपन से क्या है जी, ये मूर्तिकार है, बहुत अच्छे से क्यूट से मूर्तिकार। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए तो क्या है, मूर्ति जो ये बनाते थे, या हम लोग कह सकते हैं खिलौने या जिस तरह की भी मूर्तियां बनाते थे जो उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी, उसके बाद धीरे धीरे क्या है वो चेंज होता गया कला की तरफ, पेंटिंग्स की तरफ, चित्र ये थोड़ा कुछ बनाने लगे थे। लेकिन होगा क्या, जैसे कि हमने बात की कि उस समय की बात करें, और अभी तक हमारे समय में भी यही था कि भाई हमको जो करना है वो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है। ज्यादातर तो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग होते हैं वो यही सोचते हैं ना, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियरिंग तो अब जो है ज्यादा होने लगी है, पहले यही था, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, यही सब दो तीन प्रोफेशन थे जो सबको समझ में आते थे। तो इनके साथ भी वैसा ही था।
जो ये पेंटिंग्स बनाते थे उसका किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं था, लेकिन इनके जो पिताजी ने इनको कहा था वैसा ही इनके इनके साथ हुआ भी। इनकी जो एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, जो इनका जो अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें वो इनके लोकल एरिया से ही हुई। उसके बाद क्या है, 1898 में इनको सेंट्रल कॉलेजिएट स्कूल कलकत्ता इनको भेज दिया गया। कहाँ पर भेज दिया गया जी, कलकत्ता भेज दिया गया और कहा कि भाई ठीक है पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बन जाओ। अब क्या है, पेरेंट्स ने तो भेज दिया, अब पेरेंट्स में भी क्या पिताजी की बात करें। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जैसे कि हमने कहा बिल्कुल हमारे जैसे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। अब किसी के एडमिशन करा दिए, पेरेंट्स ने भेज दिया है, आपको इलाहाबाद भेज दिया है। अब इलाहाबाद जाके बेटा या बेटिया क्या कर रहा है कि पेरेंट्स देख पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। उस समय तो फिर भी ये था कि इतना सामाजिक रूप से चीजें ऐसी नहीं थी, आजकल तो कुछ और ही कहानियां देखने को मिलती हैं। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी कि ये भी कलकत्ता गए लेकिन पढ़ाई में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। 5 साल हो गए जी, 5 साल होने के बाद भी बार बार क्लास में फेल होते गए। क्यों? क्योंकि ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर से कलाकार बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था। घर वालों ने क्या किया, घर वालों ने वापस मिला लिया। जैसे हम लोग आजकल कहते हैं बिल्कुल कि भाई बेटा बिगड़ गया शादी करा दो उसके बाद सुधर जाएगा, ठीक है। ये हमारे समाज की, ये अभी भी सुनने में आता है ना, आपने सुना होगा, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा कि भाई बेटा बिगड़ गया है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, शादी करा दो सुधर जाएगा। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ, वापस बुला दिया घर। अब ये फॉर एग्जाम्पल बात करें, ऐसे तो ये घर गए ही नहीं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए छुट्टी में होली दिवाली में जब भी घर गए तो घर वालों ने पकड़ लिया, बेटा अब आए हो तो जाने तो देंगे नहीं। अब इन्होंने क्या किया, इनकी एक फैमिली फ्रेंड थी, उनकी बेटी से 1903 में, यानी कि 5 साल के बाद जब बार बार फेल होते जा रहे थे, तो कहा कि भाई ऐसा है इनको सुधारो, बीबी सुधार लेगी, शादी करा दो। अब क्या हुआ जी, शादी होगी किसकी, सुधीरा देवी के साथ, ठीक है। देखिए रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था, ये मैं आपको सिर्फ समझाने की बात कर रही हूँ कि जब ये बार बार फेल होते रहे उसके बाद घर वालों ने बुलाया और इनकी शादी करा दी। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी आप कुछ भी समझ सकते हैं जो हमारे भारतीय समाज में होता है और आज भी है, ठीक है। भाई मेरा तो पर्सनल मानना है कि कोई अगर बच्चा है, मान लीजिए एक्स वाई जेड, मेरी क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां, पहले तो लड़कों की बात करते थे, अब लड़कियों की भी बात करेंगे हम। भाई लड़कियां किसी से किसी चीज में कम नहीं है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव चीजों में कम नहीं है तो नेगेटिव चीजों में भी कम नहीं है, तो क्या है, दोनों चीजों में अगर आपको, अगर पॉजिटिव वे में आपको समानता लेनी है लड़कों के साथ तो नेगेटिविटी में भी लेनी पड़ेगी, और ये फैक्ट है हमारे समाज का। अगर हम बात करें कि जो मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है, ऐसे करके ना देखिए चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में अच्छे से आती है, कि अगर कोई बच्चा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, यदि अगर वो अपनी माँ के बोलने पे नहीं सुधर रहा है, तो आपको वहां पर ही आपकी धारणा बिल्कुल गलत है कि जी उसको बीवी सुधार लेगी, ठीक है। जिस बच्चे को उसकी माँ नहीं सुधार पाई उसकी उसकी बीवी सुधार पाएगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चाहे इनकी शादी करा दी जाएगी चाहे कुछ भी करा दिया जाएगा, करना इनको वही है जो इनको करना था, बनेंगे वही जो इनको बनना था, ठीक है। और ये क्या है, ये रियलिटी है हमारे समाज की। तो हुआ क्या जी, जब शादी कर दी तो उसके बाद भी क्या हुआ, अब शादी कर दी उसके बाद जो है इनको 2 साल के लिए फिर भेज दिया कि भाई चलो ठीक है शादी होगी कोई बात नहीं, जाओ आगे पढ़ाई करो। अब क्या होगा, 2 साल के बाद फिर 2 साल तक कलकत्ता में रहे, पढ़ाई में मन नहीं था, क्या हुआ है? फिर से फेल हो गए। अब 2 साल तक जब बार बार फेल होते रहे, तब इनके पिताजी ने क्या किया कि भाई हो सकता है कि इस क्षेत्र में इनका मन नहीं लग रहा हो। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई ये नहीं बन सकते, कम से कम कॉमर्स की ही स्टडीज कर ले, है ना, कम से कम कॉमर्स ही पढ़ ले, रिश्तेदारों को बता तो पाएंगे कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट ऑप्ट किए बेटे ने। आजकल के जो समाज में भी होता है कि भाई अगर कल को बोलेंगे कि जी हमारी तरह पेंटर है तो ना कटवा देंगे, है ना, कैसा होना चाहिए, इंजीनियरिंग की है, आजकल तो इंजीनियरिंग की भी कोई वैल्यू नहीं रही है, ये किया है वो किया है, आईएएस की तैयारी करने गया है, और वो क्या है, चाहे बच्चा पढ़ने में कितना भी अच्छा है लेकिन जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है। यानी कि सक्सेस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप जो भी तैयारी करने जा रहे हो। अब इनके साथ क्या हुआ, जब 2 साल तक फिर उसके बाद फेल होते रहे, है ना, जब बीवी भी नहीं सुधार पाई, तो पिताजी ने क्या किया, कहा कि बेटा ऐसा है अब कॉमर्स पढ़ो, शायद हो सकता है कॉमर्स तुम्हारी बुद्धि में आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके पिताजी ने प्रेसिडेंटी कॉलेज जो कलकत्ता में था वहां पर इनकी एडमिशन करा दी। हम लोगों को होता है क्या है ना, खासकर जो भारतीय माएं हैं, हम लोग अपने बच्चों की गलतियां कभी नहीं मानती हैं। हाँ इसकी कंपनी गलत है, वो ये ऐसा करता है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा था पढ़ाई में लिखाई में हर चीज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई वो जो उसकी कंपनी है वही ठीक नहीं है, वो शर्मा जी का बेटा वो ठीक नहीं है, वर्मा जी का बेटा मैंने मना किया उसके साथ नहीं बैठना है इसीलिए फेल हो गए। तो हुआ क्या, मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इनका कॉलेज चेंज करा दिया गया,
ठीक है, अब कहानी को आप देखते जाइएगा, कॉलेज चेंज करा दिया कि भाई ऐसा है अब तुम कॉमर्स पढ़ोगे, कम से कम फ्रेंड्स छूटेंगे तो आगे जो है कुछ ना कुछ बन जाओगे, कहीं ना कहीं बैंक बुक में नौकरी मिल जाएगी। तो हुआ क्या कि प्रेसिडेंटी कॉलेज में, यानी कॉलेज इनका चेंज करा दिया गया, अब होगा क्या भाई, दोस्तों की तो कोई कमी नहीं है ना, दोस्त तो पढ़ रहे हैं, दिन में मौज मस्ती करते हैं, रात को पढ़ते हैं, लेकिन अब अगर अंदर हमारे ही कमी है तो हम दूसरों को कितना भूलें। ठीक, तो हुआ क्या कि भाई यहाँ पे भी इनको सफलता हाथ नहीं लगी। अब 1 साल हो गया, ठीक है, 1 साल हो गया, और क्या है फिर से जो है पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब तब इनके पिताजी कहेंगे डू वट यू वॉन्ट टू डू, बिल्कुल बिगड़ गया है, अपनी माँ पे गया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, पढ़ने पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता है, जाओ तुम आजाद हो, जो तुम्हें करना है कर लो। ठीक, अब यही बात होती है आज के समय में, यही बात होती है ना। तो बस उसी तरीके से इस कहानी को लेते जाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि भाई इन्होंने कौन से कॉलेज से क्या किया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, अगर अपनी स्टोरी के साथ अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे हुआ था। तो क्या हुआ जी, अब जब पिताजी ने कहा कि डू वट यू वॉन्ट टू डू, जो करना है करो, मेरे बस की बाहर की बात होगी, तो उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहा कि ठीक है मेरे बस की बात है, तो जहां मैं जाना चाहता हूँ अब मैं वहीं जाऊंगा। अब ये कहाँ चले गए, इन्होंने अपने कलर्स लिए, अपना ब्रश खरीदा और चले गए अवनींद्रनाथ टैगोर के पास। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो ये करना चाहते थे, जब पिताजी ने हरी झंडी दे ही थी, तो उसके बाद 1906 से 1910 तक 5 साल इन्होंने आर्ट की विधिवत क्या है शिक्षा ली, किससे, अवनींद्रनाथ टैगोर से, और इसके बाद उनके प्रख्यात सबसे प्रमुख शिष्य बन जाएंगे, और एक ऐसे शिष्य बनेंगे जो इतिहास में जिन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया, और हम ये भी कह सकते हैं कि आज भी इतने सालों के बाद भी हम इनके माता और पिता के बारे में भी बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा इतिहास लिख दिया। तो क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसा ही इतिहास आप लोगों को भी लिखना है। ठीक है जी, तो देखिए ये सब चीजें है ना, बड़ा मजा आता है सुनने में भी कि हाँ ये तो होता है ऐसा। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करेंगे आप लोग, कहानी जो भी है लेकिन रियलिटी में जो चीजें हैं वो है ही है, चाहे हम अपने आप से कैसा भी इसको रिलेट कर ले। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहीं कहीं पे ये जो डेट है ये 1905 लिखी गई है, ठीक है 1905 लिखी गई है कि 1905 में ही ये जो है कहाँ चले गए थे, कलकत्ता कला महाविद्यालय ये पहुंच गए थे। कहीं कहीं पे 1906 लिखा गया है इसको, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट डेट देखेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर से, यानी अवनी बाबू से कब मिले हैं, तो इतिहास में लिखा गया है कि भाई 1906 में उनसे मिले थे। अब हो सकता है एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि 1 साल तो भाई ये प्रेसिडेंटी कॉलेज में ही है, ठीक है, जहां पर ये क्या है कॉमर्स की स्टडीज ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई है तो कलकत्ता में ही, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये दोनों डेट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में डाल लीजिएगा। चाहे 1905 हो चाहे 1906 हो, मुख्य रूप से जो है बात की जाती है कि भाई अवनींद्रनाथ टैगोर के पास ये 1906 में ही पहुंचे थे। ठीक है जी, अब उससे पहले मिलने भी गए होंगे, जरूरी थोड़ी ना है सितंबर अक्टूबर में गए होंगे, दिसंबर में गए होंगे बात करने, जनवरी से क्लासेस स्टार्ट कर ली है ना, तो भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब बात करेंगे इनके करियर की। अब करियर तो करियर के बारे में डिस्कस करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब गाड़ी निकल पड़ी है और एक महान शिष्य जो है एक महान कलाकार बन जाएंगे, तो उनका करियर भी अब स्टार्ट हो जाएगा इनकी, क्यों, क्योंकि एक ही ऐसी जगह पर पहुंच गए थे। देखिए आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, अगर आपको अगर एक अच्छा गुरु और अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो वहां पर क्या है आपको रिकॉग्निशन मिलने लगती है। इनके साथ भी यही हुआ, इतना घूमने टहलने के बाद एक अच्छा गुरु जो ये चाहते थे वो इनको मिल गए, और कलकत्ता कला में महाविद्यालय जैसा एक स्थान मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जो क्या था कलकत्ता उस समय, वैसे भी अगर हम कला के क्षेत्र की बात करेंगे तो केंद्र था, क्या था जी, केंद्र था कला का। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे तो हमें पता ही है हर तरह के जो कलाकार हैं उनकी भीड़ हमेशा लगी रहती थी, फॉरेन के भी कई डेलीगेट्स आते थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये अपने गुरु के साथ रहकर पेंटिंग्स बना रहे थे, चाहे इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ ऑयल पेंट्स से इन्होंने पेंटिंग बनाई, उसके बाद धीरे धीरे वॉश पर आए, फिर उन्होंने टेम्परा में भी बनाया, तो इनकी कला की हर तरह से जो भी ये चित्र बनाते थे, जो भी पेंटिंग्स बनाते थे, अब इनकी तारीफ होने लगी थी। लेकिन मुख्य रूप से इनके जो इनका करियर है उसमें टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब ये अपने बाबू के साथ कहाँ गए थे जी, अजंता की केव्स में गए थे, हमने बात की थी जब हमने पढ़ा था कि भाई पहले तो क्या है इन्होंने भारतीय शैली को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था जो अभी तक की किताबों में दिख रहे थे स्पेसिफिक वो जो कला थी उनको देख के आए। तो अवनी बाबू के साथ और बाकी कई सारे स्टूडेंट्स ही कहाँ जग गए थे, ये गए थे अजंता केव्स को देखने के लिए। अब जब इन्होंने अजंता केव्स की जो चित्र हैं उनको देखा, उन्होंने इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, कहीं ना कहीं उसके बाद जो हम कहते हैं कि नंदलाल बसु की चित्र शैली कैसी है, तो पूर्ण रूप से भारतीय चित्रकार थे, भारतीय शैली के चित्रकार थे,
तो वो कहाँ से अडॉप्ट करते हैं, अजंता से ही अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, कहानी और आगे बढ़ती गई, वे सब लोग मिल रहे हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं, असित कुमार हल्दर हैं, और कविराज रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके साथ भी उठना बैठना था, मिलना था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, एक समय ऐसा आया जब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी बाबू को कहा कि भाई इनको मेरे साथ भेज दो। कहाँ भेज दो, 1922 में शांति निकेतन। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अभी शांति निकेतन 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर, ये इनको लेके जाते हैं शांति निकेतन, और शांति निकेतन में क्या है, जो कला भवन होता है वहां का ही इनको प्रधाना अध्यापक नियुक्त कर देते हैं। यानी कि शांति निकेतन के कला भवन की बागडोर अब किसके हाथ में है, नंदलाल बसु के हाथ में है। अब यहाँ पर 1951 से क्या है, सॉरी 1951 तक ये यहाँ पर कार्य करेंगे। अब आप सोचिए, अगर हम बात करें, हमने कहा था भी 1905 या 1906, जब क्या है, जब भी कला की शिक्षा लेने लगे थे। अब आप सोचिए, कला की शिक्षा ली, उसके बाद कार्य भी यहीं पर किया, करते करते 1951 तक ये यहाँ पर रहते हैं। यानी आप लोग कह सकते हैं कि अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय इन्होंने कहाँ पर बिताया है, कलकत्ता में। ठीक है जी, कलकत्ता में अपने गुरुओं के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और कैसे क्लासमेट जो भारत के इतिहास के सबसे अच्छे चित्रकार हैं, ठीक है, उनके साथ ये रहे, आगे इतने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज इनको मिले। तो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सबका हाथ था, इनका अपना भी हाथ था, कि इन्होंने जो है, चाहे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे भारतीय जो कला है उसके विकास की बात करें, उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया है। अब हम इनके चित्रों की इतनी बात कर रहे हैं, तो ये बात करना जरूरी है कि भाई इनके चित्रों की विशेषता क्या थी। तो देखिए, अगर इनके चित्रों की विशेषता की बात की, तो कहा जाता है कि अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, ठीक है, उनकी जो कला थी उस पर एक तो टैगोर फैमिली ऑब्वियसली जिन्होंने इनको सिखाया, चाहे उसमें गगनेंद्रनाथ टैगोर थे वो भी इनके साथ थे, चाहे असित चाहे अवनी बाबू थे जो इनके गुरु थे, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर जो क्या कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रेखांकन करने लगे थे, है ना, और अमूर्त शैली के चित्र भी बनाने लगे थे बाद में आगे चलकर। तो सबकी कला का प्रभाव इन पर पड़ा ही, लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया है टैगोर फैमिली के साथ, तो भाई उनका प्रभाव इन पर पड़ना बहुत निश्चित सी बात थी। और उसके साथ अजंता के जो भित्ति चित्र थे उनका इन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, ठीक है, मुख्य रूप से अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उनका इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अब बात करेंगे कि ये पेंटिंग्स कैसी बनाते थे, चित्र कैसे बनाते थे। तो ये ग्रामीण जीवन, ठीक है जी, ग्रामीण जीवन है, लेडीज हैं, सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, पौराणिक कथाएं हमारे भारतीय समाज की, भारतीय ग्रंथों की, महाकाव्यों की, तो उस तरह की कथाएं जो है वो हमें इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ अगर जैसे कि मैंने कहा आपको कि जब हम भारतीय जो कला समीक्षक थे, कला इतिहासकार हैं, उनकी बात माने, तो भारत के सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक चित्र जो हैं किसने बनाए हैं, इन्होंने ही बनाए हैं, ऐसा वो मानते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आधुनिक चित्र, तो बिल्कुल आधुनिक चित्र हैं, क्योंकि जब हम राजा रवि वर्मा के बाद जिस भी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे, ठीक है, चाहे क्या है, चाहे ये बंगाल शैली के हैं, बंगाल स्कूल के हैं, लेकिन इसके बाद के जितने भी चित्रकार आएंगे सब क्या है, सब आधुनिक चित्रकार हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी चलिए, इस बारे में भी कभी बात करेंगे, ठीक है टिंकी, आपसे मैं पर्सनली बात करूंगी। अभी थोड़ा सा प्रोसेस हमारे ठीक हो जाए, है ना, व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो कंप्लीट, उसका प्रोसेसिंग में जो कार्य चल रहा है वो पूरा हो जाए, उसके बाद मैं आपसे पर्सनली बात करूंगी, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर नंदलाल बसु की जो चित्र हैं उनकी विशेषता आपको पता चल गई, किस तरह की जो है पेंटिंग्स, ये चित्र जो है उनमें बनाया करते थे, वो इतने विशेष क्यों है। अब बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान, क्योंकि इनसे संबंधित और पुरस्कारों की जब हम बात करेंगे, तो इनको सैकड़ों पुरस्कार मिले हैं, सबको तो नहीं पढ़ सकते हम, 100 से भी ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं, सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन कुछ एक जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे सीधे सीधे तौर पर। सबसे पहले बात करेंगे 1954 में, ठीक है जी, थोड़ा सा यहाँ से सीक्वेंसिंग आगे पीछे है, आप लोगों ने क्या करना है बाद में उसको ठीक कर लेना है। सबसे पहले 1954 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था, किसकी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। 1956 में ललित कला अकादमी ने इनको अपना फेलो चुना था,
और ललित कला अकादमी की तरफ से फेलो चुनने वाले ये दूसरे कलाकार बन गए थे। ठीक इसके बाद एक साल के बाद 1957 में कलकत्ता जो विश्वविद्यालय है उन्होंने इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने इन्हें देशिकोट्टम, ठीक है देशिकोट्टम या देशिकोट्टमा ये वहां की उपाधि है, वो उससे इनको सम्मानित किया है। 1976 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसके संस्कृति विभाग ने उन्होंने कहा, और भारत के सॉरी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और संस्कृति विभाग जो भारत सरकार का है, इन्होंने इनकी पेंटिंग्स को देखकर इनके कार्यों को देखकर जो ये भारतीय चित्रकला के विकास में ये बाकी भी और कार्य कर रहे थे, चाहे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो इन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था, ये और भी कई सारी चीजें थी, उन सब में कला की पूरे इनके योगदान के लिए इनको कलात्मक और सौंदर्य का जो महत्व था उसको देखते हुए इनको बहुमूल्य कला निधि घोषित किया था, ये इनको उपाधि दी थी। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार जो है पीजीटी में पूछा गया है, अब वहां पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दो विभाग हैं इससे रिलेटेड, क्या है एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है भारतीय पुरातत्व संग्रह, ठीक है, और दूसरा क्या है संस्कृति विभाग जो भारत सरकार का है, दोनों ही हैं। अगर इन दोनों में से एक भी नाम आता है तो वो सही हो जाएगा, हो सकता है दोनों भी आपको साथ में आ जाएं, तो ये दोनों क्या है बिल्कुल सही होंगे। इसके साथ साथ कलकत्ता का एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स इनको की तरफ से इनको सिल्वर जुबली मेडल दिया गया था, और 1965 में टैगोर जन्म शरीफ पदक से इनको सम्मानित किया गया था एशियन सोसाइटी के द्वारा। अभी कुछ एक ही है, बाकी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन इनमें से जो आपको देखने हैं वो आपके सामने। अब बात करेंगे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे भारतीय संविधान की, जिसको इन्होंने अपने चित्रों से सजाया है। अब इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए बात करेंगे क्या हुआ कि भारत की जो स्वतंत्रता का प्रोसेस है वैसे तो पहले ही आरंभ हो गया था, पता था कि भाई स्वतंत्रता मिलने वाली है, पूरी बहुत सारी चीजें थी, डिक्लेयर होना बाकी था, बहुत सारी चीजें थी। आगे धीरे धीरे जाकर क्या हुआ भी आ गए, अगर हम यहाँ पर दो तीन पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा शुरू हो ही गया था, मैक्सिमम कार्य भी इसका कंप्लीट होने ही वाला था, तो जब ये कार्य हो रहा था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नंदलाल बसु को रिक्वेस्ट की कि वो अपनी जो चित्र है उससे हमारे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान है उसको सजाएं। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और शांति निकेतन और रविंद्रनाथ टैगोर, इन यहाँ पर इनका बहुत आना जाना रहता था वैसे भी राजनीतिक कारणों से भी पहले भी और उसके बाद में भी, इसलिए यहाँ पर शांति निकेतन में भी और कलकत्ता कला महाविद्यालय में भी जितने भी कलाकार थे मैक्सिमम कलाकार उनको वो जानते थे, उनकी कला से वो वाकिफ थे। कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक जो है नंदलाल बसु की पेंटिंग्स, ठीक है कौन है जी नंदलाल बसु, ठीक है जी इनकी पेंटिंग से, और दूसरा राम किंकर बैच, ठीक है जी राम किंकर बैच इनकी जो मूर्तियां थी मूर्ति कला से वो बहुत प्रभावित रहते थे। आगे चलकर जब हम राम किंकर बैच के बारे में पढ़ेंगे वहां पर भी हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि स्वतंत्रता के बाद एक तरफ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कार्य हो रहा है और इसके साथ साथ जो भारत में जितने भी स्मारक थे जितने भी सरकारी जो है बिल्डिंगें थी इमारतें थी या सार्वजनिक स्थल थे उनका सौंदर्यकरण यानी कि उनका क्या है ब्यूटी के लिए कुछ ना कुछ कार्य किए जा रहे थे, कहीं पर मूर्तियों का निर्माण किया गया, कहीं पर उनको पक्का किया गया, इमारतों की पुताई वगैरह हुई, बहुत सारे कार्य जो है इस तरह के हुए थे बाद में। तो उसी प्रोसेस में जब इनका सबका जो हमारी सार्वजनिक इमारतें थी उनका जब सौंदर्यकरण किया जा रहा था तो उसमें भी इन्होंने कलकत्ता कला महाविद्यालय और शांति निकेतन के कई ऐसे चित्रकार थे मूर्तिकार थे जिनको अपने अपने जो है कला कला के माध्यम से उन स्मारकों को सजाने के लिए इन्होंने कहा था, मुख्य रूप से जिनसे डायरेक्टली इन्होंने बात की थी एक कौन है नंदलाल बसु थे और दूसरे राम किंकर बैज हैं। राम किंकर बैज को इन्होंने जो यक्ष यक्षिणी जो इन्होंने प्रतिमा बनाई थी कहाँ पर बनाई है जी आरबीआई का जो हमारा परिसर है उसके बाहर जो मूर्तियां बनाई थी उसके लिए भी इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से स्पेशली जो है एक लेटर गया था और कहा गया था कि आपसे आपसे अनुग्रह किया जाता है कि आप जो है कुछ मूर्तियां बनाए, तो उसकी भी कहानी है। ठीक है अब यहाँ पर आपको पता चलेगा
कि कलकत्ता को ऐसे ही नहीं कला का केंद्र कहा जाता था, यहाँ के चित्रकार मूर्तिकार यानी जितने भी कलाकारों की हम बात करें, यानी ये क्या है कि भाई अब जी ऐसा नहीं कि भारत में ही, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी जो है इतनी ख्याति थी कि यहाँ पर खुद जो है लोग, इतने बड़े बड़े लोग उनके पास जाते थे क्या कि भाई आप लोग हेल्प करिए, आप अपनी कला को दिखाइए, यहाँ पर प्रदर्शित करिए। ठीक है जी, तो इसी 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 कड़ी में जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर एक अलग मैटर था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन्होंने कहा क्या कहा कि वेनंतलाल बसु जो है इनके चित्रों से इसको सजाना है, और ये किसका सुझाव था, ये जवाहरलाल नेहरू का सुझाव था, और इन्होंने नंदलाल बसु से बात भी की। नंदलाल बसु ने हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इन्होंने अपनी 22 चित्र दिए हैं, कितने दिए हैं जी, 22 चित्र दिए हैं, और कम से कम 4 साल का समय लगा था उनको ये चित्र बनाने में, कितना, 4 साल का, 4 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही हमने राम किंकर बैच की बात की, तो उन्होंने जो एक शिक्षिणी की प्रतिमा बनाई थी उसका पत्थर, क्योंकि वो उसको एकाश में यानी कि पूरी एक चट्टान को काटकर उन प्रतिमाओं को बनाना चाहते थे, और वो लाए थे हिमाचल प्रदेश के वैजनाथ से, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं लाए थे, यानी कि वो निकल गए थे कि मुझे कहाँ पर इस तरह का कुछ शिलाएं मिलेंगी, जैसा वो बनाना चाहते थे मूर्तियों को। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने क्या है अपनी लाइफ की बहुत जो कीमती जो साल थे वो शायद अपनी इन रचनाओं के को दिए हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट इजी, अपनी जो कला इन्होंने बनाई है या जो जो भी इन्होंने दर्शाई है, जिस तरह की भी इन्होंने चाहे मूर्तियां बनाई है चाहे चित्र बनाए हैं, उसमें क्या है इन्होंने टाइम दिया है, बहुत मेहनत की है। ठीक है जी, हाँ 10,000 रुपये दिए थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए ठीक है जी, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारे भारत का संविधान, ठीक है, जो क्या है उसका बिल्कुल फ्रंट कवर पेज है, जो आप देख सकते हैं आपके सामने है, किसने बनाया है, नंदलाल बसु ने बनाया है। अब यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर आपको ये, यहाँ पर जो उन्होंने चित्र बनाया है, मतलब मुझे पर्सनली लगता है आप लोगों ने भी क्या इसको थोड़ा सा, आप लोगों का ध्यान गया है कि किसके जैसा मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो यहाँ पर जी, आप लोग फटाफट इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ये जो यहाँ पर आपको ये इतने सारे कमल कमल, ठीक है, ये कमल ही है जो सारे बने हुए हैं, ये किसकी तरह आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसी ही कुछ चीज हमने कहीं भित्ति चित्र पड़े हैं कहीं पर इससे रिलेटेड। ठीक है जी, आप लोग मुझे, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है कि किसके जैसे लगते हैं ये, नहीं पूर्व प्रागैतिहासिक काल के, प्रागैतिहासिक नहीं कह सकते। चलिए, गुफाओं की कला के बारे में हमने बात की, उससे कुछ संबंधित, जैसे वहां पर इस तरह के कुछ चित्र हमने देखे हैं, जी कृति का कमल हमने देखा था ना, कहां, सीतनवासल की केव्स में हमने क्या देखा है, कमल सरोवर देखा है ना, कमल वन देखा था। ये उसी तरीके से नहीं लगता है आपको कि मतलब उसकी शैली अलग है बनाने की, लेकिन देखिए जो चीजें हैं वैसी हैं, आपको हर तरफ जो है कमल ही कमल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल लगता है कि जैसे वहीं से ही इंस्पायर होकर, ये मुझे पर्सनली लगता है, ये मैंने कहीं देखा नहीं है कि हाँ इनके बारे में लिखा गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आगे इनके जो सम्मान और मिले हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर में भी आएगा कुछ एक चीजें, बिल्कुल बिल्कुल कुछ एक चीजें जो हैं अभी यहाँ पर, कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पर स्किप हुई हैं, वो हम आप कहाँ पर कवर करेंगे, वो हम क्वेश्चन आंसर में अभी कवर करेंगे। अब बात करेंगे इनकी कितनी, देखिए इनकी जो 7,000 पेंटिंग्स है अभी, वो अकेले कहाँ पर संरक्षित है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संरक्षित है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 10,000 से अधिक पेंटिंग्स बनाई हैं, कितने, 10,000 से ज्यादा चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है, उनमें से 7,000 जो चित्र हैं वो अकेले हमारी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में संरक्षित है। 1938 में इन्होंने हरिपुरा, हरिपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहां पर महात्मा गांधी ने इनसे रिक्वेस्ट की कि इस पूरे जो अधिवेशन यहाँ पर किया जा रहा है उसका सौंदर्यकरण भी आपको करना है, और उसको कैसे इन्होंने सौंदर्यकरण का कार्य कैसे किया, इन्होंने पूरे पंडाल में अपनी जो है पोस्टर्स पेंटिंग्स के वो लगा दिए थे, और थीम क्या थी, ग्रामीण जीवन, क्या थी थीम, ग्रामीण जीवन, और साथ में हिंदू देवियां, क्या था जी, ग्रामीण जीवन, ठीक है, ग्रामीण जीवन और इसके साथ हिंदू देवियां, क्या था, हिंदू देवियां,
देखिए यहाँ देवी देवता नहीं है, ठीक है, यहाँ हिंदू देवियां जो है रावण को कवर किया है, ठीक है जी। अब इसके साथ हुआ क्या, जब गांधी जी ने इनको कहा और इन्होंने इतने सुंदर से पूरे पंडाल को सजाया, उसके बाद गांधी जी को इनके साथ थोड़ी पर्सनल अटैचमेंट हो गई थी। और गांधी जी जब भी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अधिवेशन में ही, जब भी कोई आंदोलन करते थे या जब भी इनको इनकी हेल्प चाहिए होती थी तो इनको बुलाते थे और इनको बताते थे कि देखो मुझे इस तरह की पेंटिंग्स चाहिए हैं, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ और मुझे इसमें कुछ इस तरीके का कुछ चाहिए है, चित्र चाहिए, जो भी चाहिए, स्लोगन चाहिए, व्हाटएवर, तो ये उनको करके देते थे। यानी कि गांधी जी जो सोचते थे उसको ये क्या है, अपने पेपर्स पर कला के माध्यम से उनको जो है, उनका जो आइडियाज या जो भी होता था उसको ये उतार देते थे अपने चित्रों में। तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर गांधी जी और नंदलाल बसु का भी एक पर्सनल जो है रिलेशनशिप इस माध्यम से हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। यानी कि कई सारे आंदोलन आगे आएंगे जहां पर हमें इनके चित्र भी देखने को मिलेंगे, उसमें के क्रांतिकारी लोग होते हैं उनकी भी जो पोर्ट्रेट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और मुख्य रूप से कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं, जहां पर क्या है, जहां पर ग्रामीण जीवन और हिंदू देवियों को इन्होंने अपने पोस्टर्स में दिखाया था, ये आपके सामने है, ठीक है। और इनको आप अभी कहाँ देख सकते हैं, ये बिल्कुल वही ओरिजिनल पोस्टर्स हैं जो इन्होंने बनाए थे कहाँ पर, हरिपुर के अधिवेशन के लिए। और आज भी आप इनको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में देख सकते हैं, ये जो है, जो हिंदू देवियां हैं। और बाकी जो ग्रामीण परिवेश है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन कलर जो मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है वो आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा, सफेद, भूरा, पीला, इस तरह के, और ये रंग आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे इनके प्रमुख विद्यार्थी कौन कौन है, किसके, नंदलाल बसु के। इससे पहले हमने किसके बारे में देखा है, इससे पहले हमने अवनींद्र नाथ टैगोर के स्टूडेंट्स के बारे में बात की है। अब यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे पूछ लिए जाते हैं जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये नंदलाल बसु के स्टूडेंट्स हैं या किसके हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर के स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए विनोद बिहारी मुखर्जी, ये किसके स्टूडेंट है, ये जी नंदलाल बसु के स्टूडेंट है, ठीक है। इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जब इनको नंदलाल बसु पहले इनको पढ़ाने से मना कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में बात हो ही रही है तो ये भी आपसे बात कर ही लेते हैं। जब नंदलाल बसु ने क्या है, जब इन्होंने ही पढ़ाना शुरू किया तो विनोद बिहारी मुखर्जी को इनके पास भेजा गया और ये थोड़ा सा उनको देख के परेशान हो गए थे, क्योंकि तो विनोद बिहारी मुखर्जी देख नहीं सकते थे। अब ये परेशान थे कि मैं इनको कैसे पढ़ाऊंगा, और इस मैटर में भी इनकी सहायता किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने इनको इंस्पायर किया कि नहीं, यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो और आपने इसको पढ़ाना है क्योंकि इनके चित्र बहुत अच्छे हैं। उसके बाद इन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी को कहा कि आप कुछ अपनी पेंटिंग्स बनाइए, और उन्होंने क्या है, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स इनको बना के दिखाई और इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो उसके बाद जो है वो स्पेशल क्लासेस देते थे। अब इसके बाद क्या है, राम किंकर बैज है, कौन है जी, राम किंकर बैज है, बहोर राम मनोहर सिन्हा है, के जी सुब्रमण्यम है, ए रामचंद्रन है, हेनरी धर्मसेना है, प्रतिमा ठाकुर है, सोबो सोम जहर दास गुप्ता, साबित ठाकुर, मनोजा सुगणेश है, यश बोमकुट कोडप्पी है, और साथ में शेषागिरी राव है। ये सारे इनके क्या हैं, फेमस और कुछ प्रमुख क्या हैं, इनके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। चलिए ये इनके क्या है, कुछ फेमस स्टूडेंट हैं। अब बात करेंगे इनकी जो बहुत ही फेमस पेंटिंग्स हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पर तो चार पांच ही लिखी हैं, कुछ मैं आपको पेंटिंग्स दिखाऊंगी भी और बाकी हम क्वेश्चन आंसर में भी देखेंगे, और मैक्सिमम इनके बारे में, इनकी जो फेमस पेंटिंग है उनके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अब बात करेंगे, देखिए 10,000 पेंटिंग्स है, सारे तो आपको पूछे जाएंगे नहीं, जो ज्यादा पूछी जाती है, यमराज और नचिकेता है, सती का देह त्याग है और सती भी है जिसको हम देख चुके हैं, यम और सावित्री है, डांडी मार्च, संथाली कन्या, ये सब क्या है इनकी फेमस पेंटिंग है, कुछ मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अब हमने बात की कि इनके जीवन पर टैगोर के जो टैगोर परिवार जो था उनका बड़ा गहरा असर पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर तीन चार लोग हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो मुख्य रूप से कवि थे, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं जो क्या है जी बंगाल शैली के जनकदाता हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं, और इनके प्रमुख शिष्य आ जाएंगे किसके, अवि अवि बाबू के अवनी बाबू के नंदलाल बसु। अब ये चार पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिन्होंने पेंटिंग्स भी ज्यादा अच्छी बनाई हैं और साथ में इन्होंने क्या है राइटिंग में भी यानी लेखन में भी हाथ आजमाया है। ये सारे कैसे हैं, तीन तो भाई सारे टैगोर हैं, चौथे उसमें नंदलाल बसु भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन्होंने तीन पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन सी लिखी हैं, रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चक्र, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप अवनी बाबू और नंदलाल बसु की बुक्स में हमेशा कंफ्यूज होते हैं किसने कौन सी लिखी है। ध्यान देना है, रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा ये किसकी है,
रूपावली, शिल्प कला और शिल्प चर्चा, दो के नाम तो बिल्कुल एक जैसे हैं, ये नंदलाल बसु की है। जब हम षडांग की बात करेंगे, चित्र कला का षडांग, तो वो किसने लिखी है, वो भी अलग चर्चा है, उसको हम आगे साथ साथ में पढ़ेंगे, नहीं अभी कंफ्यूज होने वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई, तो नंदलाल बसु की मृत्यु 16 अप्रैल 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर भी देखिए, बिल्कुल हम भी जैसे लोगों जैसे हैं ये भी, अगर बात करें भी ज्यादा आपको जो है ना प्रेशर नहीं देना चाहते थे, यानी कि बात करें इनकी 16 ठीक है और 1966, ये नंबर आपको यहाँ पर कॉमन देखने को मिलेंगे जो है 6। क्या है जी, 16 अप्रैल 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी। आगे अब ये क्या है, यम और सावित्री जो इन्होंने पेंटिंग बनाई है कुछ इस तरीके की है, यम और नचिकेता कुछ इस तरीके की पेंटिंग है। यहाँ पर इनकी जो बहुत अच्छी पेंटिंग है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, बुद्ध और सुजाता, ठीक है, जो मैं ढालना यहाँ पर भूल गई हूँ, एक बार आप गूगल फूफा जी को पूछेंगे, वहां पर देखेंगे जरूर, क्योंकि इनके गुरु ने भी बनाई है और इन्होंने भी बनाई है, लेकिन जो नंदलाल बसु ने बनाई है वो पेंटिंग ज्यादा सुंदर है। कौन है, बुद्ध और सुजाता। अब यहाँ पर इनसे संबंधित हमने इतनी सारी बात कर ली, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, भाई आम अगर कोई व्यक्ति होता है तो एक बार उसका एडमिशन हुआ, पढ़ता गया, इतने स्कूल कॉलेज उसके चेंज नहीं होते, बीच में इतनी सारी घटनाएं नहीं होती हैं, इनके साथ बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनकी लाइफ को लेके, जो इनकी पूरा पूरे टाइम लाइन है इनकी लाइफ को लेके, ये यहाँ पर मैंने इकट्ठी दे दी है। ठीक है, कब इनको क्या मिला, कब इनको कुछ पेंटिंग्स इनकी गई हैं, उनको इनाम मिला, प्राइज मिला, कब जो है शादी हुई, कब कहाँ पर गए, तो ये सारे जितनी भी टाइम लाइन है इनकी लाइफ को लेकर, वो यहाँ पर आपके सामने है। इसको भी आपने बाद में ध्यान से देख लेना है। ठीक है जी, इसको आपने बहुत ध्यान से देख लेना है। ठीक है, शिव, देखिए शिव बिल्कुल ये भी हम कवर करेंगे। एक्चुअली वो मैंने सोचा है कि वो लास्ट में हम लोग ये सब छोटी छोटी चीजें कवर करेंगे, जिसमें करेंगे क्या, जो पुरस्कार हैं उनको कंपाइल कर लेंगे भी किस साल में, ईयर के हिसाब से ना, कि किसको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, जो हम लिस्टिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, एक वीडियो मैं आपको डेफिनेटली वो दूंगी, और उसके साथ साथ जो है पेंटिंग्स है ना, किस किसने कौन कौन सी कृतियां बनाई है, यहाँ पर भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, खासकर बंगाल स्कूल को लेके, उसको भी हम लोग एक क्लास में कवर कर लेंगे। और समकालीन जो कलाकार हैं उनकी क्लासेस भी आपकी मैं अलग से लूंगी, समकालीन जो मूर्तिकार हैं उनकी क्लासेस भी अलग से लूंगी, और करंट अफेयर्स तो आपका बीच बीच में चले रहा है ना, तो ये क्या है जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको आपने अभी धीरे धीरे आप ये कवर करिए, उसके बाद ये सब चीजें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब आप सारा पढ़ लेंगे उसके बाद ये सब चीजें देखेंगे जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बीच के, तो आपको इजिली याद हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये नंदलाल बसु, ये इनका एक पोस्टल टिकट जो है वो जारी हुआ था 1967 में, कब हुआ था 1967 में ये जारी किया गया था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप नंदलाल बसु को भी देख सकते हैं। ठीक है जी, 15 पैसे का, टाइमिंग 1882 टू 1966 है, लेकिन ये जो टिकट है 1967 में जारी हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन आंसर फटाफट कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत सरकार ने नंदलाल बसु को पद्म विभूषण सम्मान से किस सन में सम्मानित किया गया था, किया था 1954 में, 1975 में, 1958 में, 1955 में, कब सम्मानित किया था। देखिए बहुत कम डेट्स से आपको बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेसिफिक टीजीटी में। ठीक है, हो सकता है कभी इस तरह का एक आध क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इस केस में ना मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए कि डिटेल स्टडी करिए, डिटेल स्टडी करिए, लेकिन मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है, जब हम लोग एग्जाम देते थे, डेट्स जो है आप कितनी भी याद करिए, कहीं ना कहीं बीच में कंफ्यूज रहते हैं, कोई कोई तो भाई एकदम रट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। यहाँ से बहुत मुश्किल से अगर आया ही गया तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसमें इतनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, बाकी के जो आपके पोर्शन है उनको क्या है, उनको बहुत स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको याद नहीं करना, देखिए याद जरूर करना है, लेकिन बाई चांस कहीं पे छूट जाता है कुछ, या मान लीजिए नहीं याद रहता है, तो उस पर आपने बहुत एनर्जी अपनी वेस्ट मत करिए, उस एनर्जी को कंज्यूम करके दूसरे पार्ट्स में लगाइए, खासकर कहाँ पर, खासकर जो हमारे समकालीन चित्रकार हैं उनके चित्रों पर सबसे ज्यादा, है ना।
चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, पद्म विभूषण सम्मान से इनको 1954 में सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे। प्रतिज्ञा नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना किसने की है, असित कुमार हल्दर ने, कग्निंद्रनाथ टैगोर ने, शैलेंद्रनाथ टैगोर ने, या नंदलाल बसु ने। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, हमने कग्निंद्रनाथ टैगोर के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट नहीं किए थे, तो यहाँ पर आपको क्या है, नंदलाल बसु के साथ कग्निंद्रनाथ टैगोर के भी क्वेश्चन मैंने बीच बीच में डाले हैं, तो उसी हिसाब से जो आपको पता होगा जी। सीमा, इस पद्म विभूषण देखिए, आई थिंक, तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पर 1954 में इनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है जी, 1954 में, क्योंकि इनमें मैं भी वही, ये भी जो पद्म भूषण है और पद्म विभूषण है, ठीक है, और खासकर जब डेट्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा जी इनको पद्म विभूषण मिला है। ठीक है जी, एक बार मैं इसको चेक कर लूंगी, वैसे तो पद्म विभूषण ही होगा, ठीक है, लेकिन एक इसको, हाँ यहाँ पे पद्म भूषण लिखा है लेकिन पद्म विभूषण ही होगा, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली इसको एक बार चेक कर लूंगी। यहाँ पर एकदम सही है, पद्म विभूषण। ठीक है जी, क्या है, बिल्कुल 1954 में इनको मिला है पद्म विभूषण। ठीक, हाँ इसलिए मैंने चेक किया क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है वहां पर गलत लिखा है। अब प्रतीक्षा नामक प्रसिद्ध चित्र किसकी रचना है, तो किसकी है, नंदलाल बसु की है, बिल्कुल बहुत सही। और ये प्रतीक्षा जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, ये हम इंडियन पोस्टल टिकट पे भी इसको देख सकते हैं, 1 रुपए का, कब है, 1 रुपए का टिकट था, जिस पर जो उन्होंने प्रतीक्षा जो पेंटिंग बनाई थी उसको आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बनाई थी इन्होंने। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। संथाल संथालनी नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना किसने की है, असित कुमार हल्दर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, शैलेंद्रनाथ ने, या नंदलाल बसु ने, किसने की है। हाँ बिल्कुल जी, पद्म विभूषण ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी, क्योंकि आप वैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है उसमें लिख रहे हैं पद्म भूषण, ठीक है, लेकिन क्या है, वो पीछे मैंने उसको ठीक कर ही दिया है, जो क्या आपका टाइपिंग एरर था। ठीक है जी, अब 50% का तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 50% तो मैंने भी देखा है। ठीक है, एक बार इसको मैं चेक कर लूंगी, ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लूंगी। अंशु, आपका नाम अंजू है शायद, ठीक है, मैं शाम की क्लास में आपको बताती हूँ उसके बारे में। एक काम करेंगे ना, जैसे मैंने आपको एनबीएस का क्लास के एंड में बताया था, आज मैं थोड़ा सा केवीएस के बारे में भी आपको क्लास के एंड में बता दूंगी एक बार। जी चलिए, क्या होगा जी, संथाल संथाली नामक प्रसिद्ध चित्र किसकी रचना है, तो किसकी है, नंदलाल बसु की है, बिल्कुल पता है हमें, बाबू मोशाय की। और देखिए, इनको बाबू मोशाय कौन कहता था, पहले इनके फ्रेंड्स ने, जो हमने बात की थी ना, जिसमें कौन कौन थे, जिसमें पूरी ग्रुप था, कौन कौन है, जैसे कुमार हल्दर थे, ये सब लोग थे, तो शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, शुरुआत यहीं से हुई थी, बाद में अवनी बाबू भी कहने लगे, बाद में इनके स्टूडेंट जो है वो भी इनको इसी नाम से कहने लगे थे, इसी नाम से बात जो है इनको संबोधन करने लगे थे। कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है, असित कुमार हल्दर ने, क्षितिजनाथ मजूमदार ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, या नंदलाल बसु ने। तो हमें पता है किसने बनाया है ये, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, नंदलाल बसु ने। और कहाँ पर है जी, तो ये कहाँ पर है, वडोदरा में है ना, वडोदरा का जो राज परिवार है, ठीक है जी, जो राज परिवार है, उन्होंने ही एक मंदिर जैसा, एक दिखने वाले पैलेस है, मंदिर है, उसका निर्माण कराया था, वहीं पर इन्होंने, नंदलाल बसु ने, अपने कुछ भित्ति चित्र बनाए हैं। ठीक है, अपने कुछ भित्ति चित्र बनाए हैं, जिसमें क्या है, जिसमें ये कुरुक्षेत्र से संबंधित जो है इन्होंने चित्र बनाए हैं, पूरे भित्ति चित्र हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस तरीके के उसमें कई सारे चित्र हैं, यानी कई सारी जो इंसिडेंट वहां पे घटित हुए थे, जो हम कहानी के रूप में देखते हैं, उनके ऊपर इन्होंने वहां पर क्या है, भित्ति चित्र या चित्र बनाए हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो राज परिवार है, आज अभी भी साल में एक दो बार यहाँ पर ये जरूर जाते हैं, ये जो मंदिर है यहाँ पर, इनका कुछ फेस्टिवल, कुछ चीजें होती हैं वहां पर, आज भी इस मंदिर में ये जरूर जाते हैं। नंदलाल बसु की मृत्यु कब हुई, 1954, 1975, 1958 या 1966 में, कब हुई है जी, नंदलाल बसु की मृत्यु कब हुई, 1954, 1975, 1958 या 1966।
जी, इनकी मृत्यु कब हुई है? फटाफट इनका आंसर आना चाहिए। जी बिल्कुल, मीरा पैनल भी। और देखिए मीरा पैनल को लेकर ये भी बिल्कुल यहीं पर है, ठीक है। अब बात करेंगे मीरा पैनल को लेकर, बड़ी कंफ्यूजन थी, कहीं कहीं पे आंसर जो है विनोद बिहारी मुखर्जी जो है आंसर आता है, लेकिन मीरा भी किसका है? बिल्कुल इनका ही है, नंदलाल बसु का ही है ना। विनोद बिहारी मुखर्जी जो है, कहा जाता है कि उनको ही अपने साथ लेके गए थे वहां पर, और इन्होंने भी कुछ कार्य उसमें किया है, ठीक है, इन्होंने भी कुछ कार्य उसमें किया है, लेकिन मुख्य रूप से किसका है? मुख्य रूप से ये क्या है, ये जो भित्ति चित्र है मीरा, ये भी किसका है? नंदलाल बसु का ही है। बिल्कुल, क्या है, डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, 1966। शिल्प कला रूपावली एवं शिल्प कथा या चर्चा, क्या है, ये शिल्प कथा भी हो सकता है यहाँ पर और शिल्प चर्चा भी आ सकता है, क्या है, दोनों एक ही है। किसकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? अशित कुमार हल्दर की, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की, शैलेंद्र नाथ डे या नंदलाल बसु, किसकी है? और ये सारे क्या है जी, क्वेश्चंस पूछे जाते थे जी। कहीं जगह पर ना, देखिए टिंकी होता क्या है, कुछ एक चीजें सही हैं, लेकिन विकिपीडिया पर खासकर आपने सर्च किया होगा तो वहां पर क्या है ना, वहां पर कोई चीजें, कई चीजें अथेंटिक नहीं होती, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें, वहां पर वो ओपन सोर्स है, वहां पर लिखा गया है कि अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपकी जानकारी है वो आप भी डाल सकते हैं। तो अगर कोई जो है कुछ भी उसमें लिख के डाल सकता है, पहली बात तो ऐसा कुछ भी तो नहीं कह सकते, लेकिन पर्टिकुलर उस विशेष विषय से संबंधित कुछ भी डाल सकता है। मुख्य रूप से क्या है, 1966 ही है, ठीक है जी, क्या है, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, नंदलाल बसु। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को किस कलाकार ने सजाया था? पता है हमने किसने सजाया था? नंदलाल बसु ने सजाया था। अब ये तो आपको पता है, अब आपको इनका माध्यम बताना है, ये माध्यम क्या था आप ये बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। आपको आंसर ये देना है कि हरिपुरा में जो इन्होंने ये चित्र बनाए थे या इन्होंने पोस्टर जो बनाए थे, इनका माध्यम क्या था, माध्यम बताइए। जी इसका माध्यम बताएंगे आप लोग, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। माध्यम अब आपसे ये ज्यादा पूछा जाता है, इसका माध्यम क्या है, वाटर कलर है, ऑयल पेंट है, टेम्परा है, फ्रेस्को है, क्या है? नहीं रूपम, ऐसा नहीं है, सबको यहाँ पे पीडीएफ फ्री में मिलता है, लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ, अब तक पहुंच नहीं रहे हैं, ठीक है, वो आपकी क्लास के बाद में भी ये बात करूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। जी, बिल्कुल ऋषि, बिल्कुल ऋषि, आपकी आपका एग्जाम हो गया, मे बी आपका शायद कोई एग्जाम था, आपका एग्जाम हो गया। टेम्परा माध्यम, वेरी नाइस, क्या है जी, टेम्परा इज द राइट आंसर, और ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन क्या है, हमने क्लास में इसको कवर नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ क्या है। अब ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किस माध्यम से बनाए हैं, तो टेम्परा माध्यम से बनाए हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब ये टेम्परा माध्यम जो है कुछ इसी तरीके का है, हमने बात की थी ना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ग्रामीण परिदृश्य, ग्रामीण जो विषय वस्तु है वो देखने को मिलेगी, और ज्यादातर जो रंग है भूरा है और पीला है, सफेद है, इन रंगों का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा किया गया है। नंदलाल बसु के लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया है, कितने चित्रों का लगभग इन्होंने निर्माण किया है? 500, 100, 10,000 या 5,000, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि लगभग, और यहाँ पर कभी भी ये फिगर्स जो हैं जब भी हम बात करते हैं एक्यूरेट नहीं होती हैं, इसलिए हम साथ में लगभग जरूर लगाते हैं जी। जी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका एकदम सही है, लगभग 10,000 से अधिक, कितने हैं, लगभग 10,000 से अधिक इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। नंदलाल बसु को 1922 में कहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, कलकत्ता कला महाविद्यालय, शांति निकेतन के कला भवन का, भारत कला भवन का या मद्रास कला महाविद्यालय का? नंदलाल बसु को 1922 में कहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और किसके बाद की बात है ये जी, कब का होगा ये? वेरी नाइस, वेरी नाइस, कोहली 1-0 कम है, आपने 1,000 लिखा है, इट्स 10,000, क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल शांति निकेतन के कला भवन का, शांति निकेतन के कला भवन का कब? 1922 में, और कौन लेके गया था, रविंद्रनाथ टैगोर इनको लेके गए थे।
अर्जुन व चित्रांगदा नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनींद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? किसने, कौन से चित्र की बात की जा रही है जो अभी हमने कवर नहीं किया था? अर्जुन व चित्रांगदा ये किसकी पर किसका प्रसिद्ध पेंटिंग है, किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो किसका है जी, हमें पता है किसका है, ये गगनेंद्रनाथ टैगोर का है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली नंदलाल बसु तो है नहीं, ठीक है, जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने कहा था कि गगनेंद्रनाथ टैगोर के भी आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने नहीं कंप्लीट किए थे, तो यहाँ पर गगनेंद्रनाथ टैगोर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान को किस चित्रकार ने चित्रित किया है? हमें पता है किसने किया है जी, नंदलाल बसु ने किया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, तो इसलिए इनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। शिव का विषपान नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? असित कुमार हलदर, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, शैलेंद्र नाटे या नंदलाल बसु? ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चेक करेंगे जी। जितना जल्दी आप लोग आंसर देंगे उतना जल्दी, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, नंदलाल बसु। और ये कुछ इस तरह की पेंटिंग क्या है, भगवान शिव जहर पीते हुए, किसका है ये, नंदलाल बसु का ये चित्र है। और नंदलाल बसु ने अजंता की जब ये पेंटिंग्स देख कर आए थे, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, जब ये अजंता केव्स की पेंटिंग्स को देख कर आए थे, तो उसके बाद जो है इन्होंने वहां की जो पेंटिंग्स हैं उनको आकर, ये वापस जब आए हैं उनको आकर बनाने की दोबारा से कोशिश की थी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं भी इनको कॉपी करने की कोशिश की थी। और वो मैक्सिमम जिस तरीके से दिखाई देती है ना, जैसे ये भी आपके सामने भगवान शिव हैं, इनको जहर पीते हुए दिखाया गया है, इसी तरह से मिलती जुलती प्रतिमाएं जो अजंता केव में हमने देखी हैं, हम लोग कह सकते हैं उसी से इंस्पायर होकर ये भी इन्होंने बनाई है। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपनी उम्र के किस वर्ष चित्रांकन करना शुरू किया था? 68, 38, 45 या 30? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है नहीं अभी चेंज हो जाएगा, ठीक है जी नीलम, अभी चेंज हो जाएगा, कब हो जाएगा जी? गगनेंद्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के किस वर्ष में चित्रांकन करना आरंभ किया था? वेरी नाइस, 38। कब जी? जब ये 38 साल के थे तब इन्होंने पेंटिंग करना आरंभ किया था। वॉल रूम डांस नामक चित्र गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किस शैली में बनाए हैं? बंगाल शैली, कालीघाट शैली, धनवादी शैली, इनमें से कोई नहीं? अब ये क्वेश्चन जो है, चलिए वेरी नाइस, चलिए ठीक है जी, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अभी तो सुनने में आ रहा है, मैं अभी गई नहीं हूँ काफी दिन से, कि अयोध्या में खासकर फैजाबाद में काफी जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है ना, काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है लेकिन कहा जा रहा है ना कि पूरा आपका जो रोड है वो चौड़ा किया जा रहा है, बुलडोजर बाबा मेहरबान है आजकल वहां पर, है ना। चलिए देखिए, जो लोग बाद में आते हैं वो बाद में गुड मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी इसका? बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं भाई, सी कैसे हो जाएगा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, कालीघाट शैली। धनवादी शैली जिसकी हमने बात की थी, क्यूबिज्म है ना, कुछ इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली है वहां पर, यानी कि धन है कुछ इस तरीके से, है ना, ये क्या है, पूरी की पूरी आकृतियां हमें कुछ इसी तरीके से देखने को मिलती है, ठीक। अब यहाँ पर बात की जा रही है वॉल रूम डांस की, तो इट्स लाइक जैसे कार्टून बनाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने ये भी बनाया है, लेकिन क्या इसका जो रेखांकन और अगर इसकी शैली की बात करेंगे, जैसे कालीघाट की हमें चित्र शैली हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल एज इट इज वैसी है ये, ठीक है, तो क्या है, कालीघाट शैली। अब यहाँ पर धनवादी शैली आपने नहीं लगाना है, आप इमेजिन करिए कि आप क्यूबिज्म में एक वॉल रूप डांस का नृत्य कैसे कैसा जो है दिखाई देगा, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। चलिए, नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ है? 1882, 1870, 1980 में या 1976 में, कब हुआ है? ओके जी, बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम थे जी अभी, क्या
क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा जी 1882। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ पर हुआ है पता है हमें, बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, बिहार में हुआ है। कहाँ पर, जैसे कि हमने बात की थी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में। नंदलाल बसु के गुरु का क्या नाम है, अवनींद्रनाथ टैगोर। अब इनको हम ऑप्शन भी पढ़ना हमारे लिए पाप है क्योंकि ये तो हमें पता है क्या है, नंदलाल बसु के गुरु कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर है। सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नंदलाल बसु की माता का नाम बताइए, मंगला, सुनैना देवी, मारिया या सुरुचि क्षेत्रामणि। ठीक है, अब इनकी माता का नाम आपको बताना है और ये क्वेश्चन प्रीवियस इयर्स का है। और जैसे कि हमने बात की थी और मैंने आपको अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ की माता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वहां मैंने नाम थोड़ा सा गलत बता दिया था। ठीक है, वहां पर हमने बात की थी कि उनकी माता का नाम, ठीक है सॉरी, तो क्या है उनकी माता का नाम सौदामणि था, क्या था, सौदामिनी, अवनी बाबू और गगनेंद्रनाथ टैगोर की माता का नाम। ठीक है, और वहां पर क्या है, शायद मैंने अवनी बाबू की पत्नी का नाम लिख दिया था, बाद में मैंने उसको पीडीएफ में आपको सही करके दिया है, लेकिन फिर भी अपने अपने बिहाफ पर आप लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, तो क्या है जी इसका, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, सुरुचि क्षेत्रामणि। क्या है, सुरुचि क्षेत्रामणि इज द राइट आंसर। महाश्वेता नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है, गगनेंद्रनाथ टैगोर, जतेंद्रनाथ मजूमदार, शैलेंद्रनाथ डे या नंदलाल बसु, किसने बनाया है। अब इसका आंसर आप लोगों को देना है, महाश्वेता नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है, महाश्वेता। हाँ, सुहासिनी देवी मैंने वहां पे लिखा था, वो कौन थी, अवनी बाबू की पत्नी। ठीक है ऋषि, आपका एग्जाम हो जाए, बहुत बढ़िया जी। जगत पीडीएफ नहीं मिली है, बिल्कुल मैं आज चेक करूंगी पीडीएफ आपको क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल नंदलाल बसु इज द राइट आंसर। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने साधु नामक चित्र किस माध्यम में बनाया है, जल रंग में, तेल रंग में, पेस्टल माध्यम में, इनमें से कोई नहीं। और ये आपका रह गया था, साधु नाम की पेंटिंग इन्होंने बनाई है और ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में कि भाई इसका माध्यम आपको बताना है, इसका माध्यम आपको बताना है कि कौन से माध्यम से ये पेंटिंग को बनाया गया है। वेरी नाइस जी शिव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पीडीएफ ठीक है, मैं एक बार चेक करूंगी। ठीक है, आपने कहा है तो ऑब्वियसली आज मैं बात करूंगी, मैं पर्सनली आज चेक करूंगी इसको एक बार। क्या होगा जी इसका, बिल्कुल इसका भी चित्र देखिए, चित्र उसका जो है याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनको देखिए। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनको देख के ही याद करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए जल रंग। क्या है, ए जल रंग में बनाया है। गगनेंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई है, 1946 में, 1960 में, 1950 में, 1938 में। जी कब हुई है, गगनेंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई है, 1946, 1960, 1950 या 1938। तो इसका आंसर बिल्कुल क्या है जी, डी आपका एकदम सही हो जाएगा, 1938 में गगनेंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी, इनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा था जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत का प्रथम घनवादी कलाकार किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है जी, रविंद्रनाथ टैगोर को, अवनींद्रनाथ टैगोर को, राजेंद्रनाथ टैगोर को या इनमें से कोई नहीं। भारत का प्रथम धनवादी कलाकार किसे कहा जाता है, अब जो लोग सी पे आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। देखिए इसका डी ऑप्शन एकदम सही होगा। गाइस थोड़ा सा नाम ध्यान से पढ़ना है और यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है सेम लैंग्वेज में जैसे यहाँ पर आपको दी गई है। गगनेंद्रनाथ टैगोर नहीं, यहाँ पे राघवेंद्रनाथ टैगोर है, आगे रा वर्ड लगा दिया गया है। इसका अब क्या है, इसका सही आंसर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है,
इस नाम का कोई चित्रकार ही नहीं है, ठीक है? तो क्या है, डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है आप लोगों ने। गगनेंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले धनवादी कलाकार की संज्ञा किसने दी है? आनंद कुमार स्वामी, लेडी कनिंघम, जया अप्पा स्वामी या डॉक्टर स्टेला क्रैम्ब्रिज, किसने दी है? जी, क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, डॉक्टर स्टेला क्रैम्ब्रिज। वॉल रूम डांस नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? किसने बनाया है? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है जी, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। कौन सी शैली में बनाया है? कालीघाट शैली में बनाया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार, कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से। क्या है, कालीघाट शैली में इस चित्र को बनाया गया है। बंगाल का व्यंग्य चित्रकार किसे कहा जाता है? गगनेंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, ठीक है? और हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के अगर हम प्रथम इस तरह के चित्रकारों की बात करें, उनमें गगनेंद्रनाथ टैगोर का भी नाम आता है। अब ये क्या है, ए नोवल मैन। मैंने आपको इनके व्यंग्य चित्र वैसे भी दिखाए हैं कि क्या है, जब ये समाज पर अपने कार्टूनों के जरिए व्यंग्य करते थे, उनको किस माध्यम में दिखाया है? तो यहाँ पर दिखाया है कि ए नोवल मैन, एक नोवल मैन ऐसा है जिसको क्या है, जिसके सर पर सरस्वती लक्ष्मी माता का हाथ है, धन संपदा बहुत अधिक है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, जो मांगने वाले हैं उनको जी डंडे मार रहे हैं स्टिक से, ठीक है? तो ये एक क्या है, नोबल मैन। अभी आप समझ सकते हैं जब हम बात करते हैं विपरीत चित्रण की, ठीक? चलिए आगे बढ़ेंगे। माइकल एंजिलो एवं राफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां किस कलाकार ने बनाई हैं? आसित कुमार हल्दर, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, गगनेंद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बसु, किसने बनाई है? माइकल एंजिलो एवं राफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां किस कलाकार ने बनाई थी? किसने बनाई थी? असित कुमार हल्दर, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, गगनेंद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बसु, किसने बनाई थी जी? किसने बनाई है इसका? बिल्कुल डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, किसने बनाई है जी, नंदलाल बसु ने बनाई है। डी ऑप्शन इज राइट। अब क्या है आज का जी, आज का सेशन गाइस हम यही एंड करेंगे, शाम को मिलेंगे, शाम को आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है जी? शाम को आपका मॉक टेस्ट है, 125 क्वेश्चंस का, टाइम पे ज्वाइन करेंगे। अपने आप को चेक करना है कि अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से कितना आता है। कुछ चीजें जो भी नहीं पढ़ी हैं वहां से भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, लेकिन क्या है, उनके बारे में भी बाद में बात करेंगे और देखने हैं इसमें से कितने नंबर, ऑनेस्टली उनमें से कितने नंबर जो हैं वो आपके अभी सही हैं, ये देखना है। यानी पहले जो एक मॉक टेस्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अभी देखना है कि उसके बाद जो है कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत ज्यादा जरूरी है बीच में, ठीक है? यानी कि बीच बीच में सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे एंड कीप स्टडिंग जी, बाय बाय।